हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में चलो एक्सप्लोर करें। और आज हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े हैं मसूरी, और इसके लिए हम जाएंगे दिल्ली के ISBT बस अड्डे पे, और वहां हम लेंगे नॉनस्टॉप वॉल्वो बस जो 4.5 घंटे में मेरठ एक्सप्रेसवे से हमें देहरादून पहुंचा देगी। देहरादून पहुंचकर हम वहां पर टैक्सी करेंगे जो 1 से 1.5 घंटे हमें लेगी मसूरी पहुंचाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय करें। तो चलो एक्सप्लोर करें। तो हम लोग सब निकल गए हैं मसूरी के लिए। तो हमारे पीछे लगी हुई है हमारी वोल्वो बस जो नॉनस्टॉप चलेगी। ये हमें देहरादून हमें 4 घंटे 4.5 घंटे में उतार देगी। बहुत अच्छी है सर्विस इसकी, हर 1 घंटे में चलती है ये बस। तो आप ये ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, यहाँ पर भी आकर बुक कर सकते हो। देखो काफ़ी सारे लोग बुक कर रहे हैं, तो दोनों जगह से आप बुकिंग कर सकते हैं। ये है हमारी बस, यहाँ से देहरादून और देहरादून से फिर टैक्सी मसूरी। ये देखिए हमारी वोल्वो बस अंदर से कैसी दिखती है। मिल गई सीट, कंफर्टेबल है? जी ठीक है, कंफर्टेबल सीट है। 4.5 घंटे के लिए तो बढ़िया ही है। कौन सा है? नंबर हमारा है 5, 6 और 9। ये वाली 56 नहीं, 5, 6, 56 नहीं। किंगफिशर, भैया छोटा जूस है क्या? बस के नीचे मैंगो चली गई, जान जा सकते जब बस चलेगी तो पैर के नीचे चली गई। वो देखो बच्चा, वो आया था वो देखो, वो दिख रहा है वो ब्लैक येलो के ऊपर, वो ऐसे चल रहा है बच्चा, वो आया था कबूतर का। बस चल पड़ी 8:02, 8 बजे का टाइम है ना, 8:02 में चल गई। तो गाइस मैं हम आपको होटल में बाय। सो गाइस आप देख सकते हैं बस यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकी है। तो दोस्तों 2.5 घंटे के बाद हमारी बस 5 मिनट वॉशरूम ब्रेक के लिए रुकी है। चल रहे हैं हम लोग मसूरी के लिए टैक्सी लेने के लिए, पता करते चलते हैं। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है एक टैक्सी, चलो पता किया जाए। देहरादून पहुंच गए और यहाँ पर हमने टैक्सी बुक कर ली है, बैठे हुए हैं। इनको एसी नहीं चाहिए था तो नॉर्मल नॉन एसी वाला लिया है, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है, पता नहीं इन्हें कैसा लगता है, पता नहीं। चलो पहाड़ों पे मूड आते हैं तो सिर घूमता है, एसी वाले में बंद वाले कैबिन में अच्छा नहीं लगता, इसलिए नॉर्मल कर लिया इन लोगों की वजह से। इन्हें हवादार चाहिए। लेकिन भाई साहब यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी, बिल्कुल दिल्ली के जैसे डिट्टो गर्मी पड़ रही है। देहरादून मेरे को तो लगा था देहरादून थोड़ा सा तो ऊंचाई वाली जगह पे है तो थोड़ी सी ठंडी होगी। यहाँ से कितनी दूर है? 42 किलोमीटर। 1 घंटा कम से कम? हाँ, ऐसे तो आप बता रहे हो बहुत जाम लगा हुआ है 1.5 घंटे। कश्मीर में तो इस टाइम पे बहुत ठंड पड़ रही है, दिन में तो सब जगह पहाड़ में जहाँ बद्रीनाथ है जहाँ बर्फ पड़ती है रात में, हाँ भी दिन में सुबह 5 बजे गर्मी लगती है, सूरज आता पूरा तपता हुआ, हाँ तपता हुआ एकदम, क्योंकि
पहाड़ जितना पहाड़ होगा ना जितना जितनी ऊंचाई है जितनी ऊंचाई हो ऊंचाई उतनी जल्दी सूरज आता है इसलिए वहाँ गर्म नहीं। जू इज ओपन देहरादून का जू। देखिए फ्रेंड्स मसूरी आने ही वाला है और कितना शानदार नजारा है, कितना अच्छा व्यू है, मजा आ रहा है रास्ते में। क्या पहुंच गए बेटा? अच्छा लगा? टैक्सी में आप तो सो गए थे, नींद आ गई थी? भूख लगी है? कितना टोटल? कितना? 3550। अंडा देवी बनौल्टी लैंडिंग का और ये क्या पहुंच चुके हैं मसूरी और ये है मसूरी पिक्चर पैलेस जो है मॉल रोड का दूसरा कोना और इसके दूसरे साइड में है लाइब्रेरी चौक। तो टैक्सी वहां भी जाती है और इस जगह भी जाती है। अगर मसूरी में आपको कहीं भी जाना है किसी भी जगह पे लोकेशन पे घूमना है तो आप टैक्सी स्टैंड पे आएं, यहाँ पर इनकी टैक्सी यूनियन है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैकेजेस बनाए हुए हैं और सबकी प्राइसिंग डाली हुई है। उस प्राइसिंग से ना ये ज़्यादा लेते हैं ना कम लेते हैं और इनके साथ में बात करके आप थोड़े प्लेसेस को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो और प्राइसिंग को एडजस्ट करके जा सकते हो। और फ्रेंड्स हमने होटल पहुँचने से पहले आइसक्रीम ब्रेक लिया है मॉल रोड पे। फाइनली हम आ गए अपने होटल में मसूरी में। अब क्या यार, ये हमारा जो होटल है वो बिल्कुल मिडल ऑफ द मॉल रोड। थक गए यार बिल्कुल। देहरादून पहुंचने में भी जाम था और यहाँ पर भी रास्ते में बहुत जाम मिला, बहुत बिल्कुल अच्छा था। तो आप देख सकते हैं वो देखिए उत्तर क्या है। बहुत ज्यादा हम लोग थक चुके थे। अभी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर होगी यहाँ पर आने को। 4 घंटे तो बस का था लेकिन रास्ते में बहुत जाम लग गया। उसके बाद देहरादून पहुंचने में हमें काफी टाइम लग गया। ये देखो ये पाव भाजी है, अलग से स्टाइल से। हाँ तो हमने पाव भाजी मंगाई है, हमने मैगी मंगाई है नायरा के लिए, स्ट्रॉबेरी शेक मंगा ली थी और मिक्स पकौड़े मंगा लिए थे। और देखो हमारे होटल से व्यू देखो, बिल्कुल ये देखो बिल्कुल मॉल रोड पे है, ये बीचों बीच मॉल रोड पे। अभी शाम को हम वहां भी जाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां पर एंजॉय करेंगे सनसेट का। और ये देखो ये इधर इधर को लेफ्ट साइड का मॉल रोड है और इधर राइट साइड का मॉल रोड है। तो खाया जाए, अब एंजॉय किया जाए। कैसी लग रही है नायरा मैगी? सही लग रही है, टेस्टी टेस्टी। नायरा तो खूब एंजॉय करती है भाई जहां भी जाती है। कैसा लग रहा है पकौड़ा? बहुत टेस्टी, मजेदार। पहाड़ों की तो बात ही कुछ और है। इतना ऑसम व्यू, इतना ऑसम व्यू, आ हा हा हा, बहुत बढ़िया। और पकौड़े, ओहो हो, पाव भाजी, ये देखो जी। और इतनी टेस्टी टेस्टी खाना खाकर होटल का बेड पे लेट चुका हूँ, अब मन कर रहा बस सो जाऊं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बिस्तर है। हा 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 हा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चाय नाश्ता भी हो गया है, अब तो बस सो जाता हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मिलते हैं।